उन्नाव केस में शुरुआती रिपोर्ट सामने आ गई है और जहरीले पदार्थ की वजह से हुई है मौत। रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। जहरीले पदार्थ को जांच के लिए भेजा जाएगा। तो उन्नाव केस में शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है इससे बड़ा खुलासा हुआ है। जहरीले पदार्थ केस में पुष्टि हुई है, जहरीला पदार्थ खाने की वजह से मौत मामला सामने आया। उन्नाव केस में शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। जहरीले पदार्थ की वजह से मौत का मामला सामने है। रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। तो शुरुआती रिपोर्ट जो सामने आई है वो चौंकाने वाली है, इससे बड़ा खुलासा हुआ है। जहरीले पदार्थ को जांच के लिए भेजा जाएगा कि आखिरकार ये क्या था। उन्नाव केस में शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सामने आने के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि और भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। जहरीले पदार्थ को जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्नाव केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। शुरुआती जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें सबको चौंका दिया है। जहरीले पदार्थ की वजह से मौत का मामला सामने आया है। जहरीले पदार्थ को जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्नाव केस में शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंका दिया है कि पुष्टि हुई है कि जहरीला पदार्थ था जिस वजह से मौत हुई है। रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजेश उड़ गए। राजेश, क्या जानकारी मिल रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान जो कयास लगाए जा रहे थे कि तीनों बच्चियों को बांध करके और उनका जो है हत्या की गई है, जबकि रोशनी भी रीजेंसी अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रही है, तो वो अगर रीजेंसी की रोशनी के होश आने तक, अगर जो चिकित्सकों का यहाँ कहना है कि जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें किसी भी प्रकार के जायराना चोट के निशान या कोई ऐसी चीजें सामने नहीं आई है शव परीक्षण के दौरान जिसमें ये कहा जा सके कि इन दोनों बच्चियों की हत्या हुई है या उन्हें जहर देके मारा गया है। हाँ, इतना जरूर चिकित्सकों का कहना है कि मिश्रा को प्रिजर्व कर दिया गया है और उसे लखनऊ भेजा जाएगा और उनकी स्लाइड भी बनाई गई है ताकि उसका डीएनए का टेस्ट भी हो सके। पोस्टमार्टम समाप्त हो चुका है, लगभग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा भी हो चुका है कि डेथ कुड नॉट बी सर्टेन, मिश्रा प्रिजर्व है, रखा गया है। जी राजेश, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्नाव जिला मुख्यालय का पोस्टमार्टम हाउस है जहां पर दो बच्चियों के शव का पोस्टमार्टम किया गया है। अब से थोड़ी देर बाद तीन डॉक्टरों की पैनल ने उनका पोस्टमार्टम किया और उसके बाद डॉक्टर यहां से जा चुके हैं। दोनों की डेड बॉडी सील हो चुकी है जबकि एक का इलाज रोशनी का कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में चल रहा है। अगर हम बात करें घटनास्थल की, घटनास्थल में उसके परिजनों को जो है पुलिस अपने साथ रखे हुए है जब से घटना हुई है। बावजूद इसके वहाँ पर ग्रामीणों में ये आक्रोश है कि एक तो पीड़ित पक्ष का जो है वो सही रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और दूसरा पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में ले रखा है। पीएम हाउस में तीन डॉक्टरों द्वारा जो पोस्टमार्टम किया गया है, डॉक्टर यहाँ से पोस्टमार्टम करके जा चुके हैं और अब शवों के बाहर आने का इंतजार हो रहा है। अगर घटनास्थल की बात करें, घटनास्थल में भी पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है बगुरिया गाँव को और चप्पे चप्पे पर वहाँ पुलिस के जवान और अधिकारी तैनात हैं। यहाँ जिला मुख्यालय में इन दो बच्चियों का पोस्टमार्टम करके डॉक्टर अभी गए हैं, उनके शव का इंतजार यहाँ बाहर निकलने का हो रहा है। इसके बाद ये पोस्टमार्टम हाउस से तय होगा कि उनकी हत्या की गई है या उन्होंने स्वयं ही जहर खा करके आत्महत्या की है। कैमरा पर्सन अंशु पांडे के साथ राजेश वाजपेयी, R9 उन्नाव।